मिलेगा, एक आपको अच्छा बड़ा साइज हॉल है तो भी आपको ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। आपका बर्थडे है तो उस सब में ये आपको पार्टी स्पीकर मिलता है, तो बहुत अच्छा आपको साउंड। वेलकम टू माय टू चैनल, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक LG का एक्स बूम मॉडल जो कि बिल्कुल 2023 में लॉन्च किया गया है, इस मॉडल के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि ये एक पार्टी स्पीकर आपको मिलता है। अगर आप एक घर के लिए एक अच्छा साउंड सिस्टम परचेस करना चाहते हैं, अगर आपके घर में एक बहुत बड़ा हॉल है, अगर आप एक हॉल के लिए अच्छा साउंड सिस्टम परचेस करना चाहते हैं और वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी हो, क्लियरिटी हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये LG का एक्स बूम जो कि 2023 में लॉन्च किया गया है, जिसका मॉडल है XL2S, इसके रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन देंगे और इसका साउंड टेस्ट करके भी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आप अपना पैसा सही प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि फ्रेंड्स, हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन बिल्कुल नहीं करते हैं, हमारे चैनल पर किसी प्रोडक्ट का बिल्कुल 100% सही जानकारी मिलेगा, जिससे आप अपना पैसा प्रोडक्ट पर भी इन्वेस्ट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस हो जाना चाहिए। कहते हैं अनबॉक्सिंग बाद इसका ऑडियो कैसा है वो भी हम आपका आपको जो है सुनाने वाले हैं। और चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। के रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये ऑल इन वन साउंड सिस्टम मिलता है, मात्र एक स्पीकर आपको इसमें दिया गया है, 0.5 इंच इसका स्पीकर का साइज है और एक छोटा सा यहाँ पे आपको ट्विटर दिया गया है जो कि 2 इंच का आपको ट्विटर दिया गया है। अब इसके जो है यहाँ से आप रिमोट कंट्रोल भी इसे कर सकते हैं, यहाँ पे रिमोट का सेंसर दिया गया है, रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क टाइप जो है कंट्रोलर दिया गया है, इसमें आप 2 माइक लगा सकते हैं, एक USB केबल लगा सकते हैं, यहाँ पे एक LED टाइप डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको सभी दिखेगा। इसमें HDMI का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, ऑक्स केबल आप इसमें बिल्कुल इन कर सकते हैं, FM रेडियो का आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इससे हम जो है डिजिटल ऑडियो इन कर सकते हैं तो वो आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपको ऑक्स का सपोर्ट है, USB सपोर्ट है, एंटीना सपोर्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है अपने TV से साउंड आउटपुट लें तो आप बस 2 पिन जो ऑक्स आता है केवल वो आप इसमें जो है इन कर दीजिएगा, तो आप अपने TV से, अगर आपका ओल्ड मॉडल TV है तो आप उससे इसमें साउंड इन कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यू मॉडल आपका TV है तो उसमें HDMI का ऑप्शन रहता है और डिजिटल ऑडियो ऑप्टिकल का ऑप्शन रहता है, तो ये आपको इसमें फीचर्स नहीं दिया गया है। HDMI और ऑप्टिकल का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। इसी में एक मॉडल आता है जिसमें आपको HDMI वीडियो आउटपुट का ऑप्शन भी दिया गया है, तो वो हम वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है मेरा, लेकिन हम एक नया वीडियो बना के लाने वाले हैं उसी के रिलेटेड कि ये और उसमें बेस्ट कौन सा है, तो आप चैनल पर जो है ज़रूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल जो साउंड आउटपुट है, अगर कोई भी आप होम थिएटर परचेस करते हैं तो आप ये ज़रूर देखते हैं कि आप उसका साउंड कैसा है, उसका साउंड लाउडनेस कितना अधिक है। तो हम आपको बताते हैं, साउंड जो इसका आपको टोटल वाटेज जो मिलता है
80 वाट, कितना 80 वाट आपको साउंड आउटपुट है आरएमएस। अगर आप एक स्पीकर में 80 वाट साउंड आउटपुट दे रहा है तो बहुत ही अच्छा साउंड आउटपुट आपको मिलने वाला है। वो तो हम आपको प्ले करके सुनाने वाले हैं कि इसका साउंड कैसा है, तो आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहे। 80 वाट साउंड आउटपुट है, पावर कंजम्पशन मात्र 26 वाट इसका पावर कंजम्पशन है। इसे अगर वोल्टेज दे 110 से 220 वोल्ट पर आपका ये ऑपरेट होता है। इसे आप घर के इन्वर्टर पर भी जो है साउंड सिस्टम को प्ले कर सकते हैं, बहुत ही कम बिजली आपको ये खपत करेगा और साउंड बहुत अच्छा देगा, क्योंकि ये पार्टी करने के लिए बनाया गया है साउंड सिस्टम। अगर आप घर में भी एक अच्छा साउंड सिस्टम चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटा सा पार्टी फंक्शन आप रखते हैं तो आपको अलग साउंड सिस्टम आपको नहीं मंगवाना पड़ेगा, आपका यही साउंड सिस्टम उसमें जो है वर्क कर जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा आपको साउंड सिस्टम मिलता है। इसमें RGB लाइट दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है, वो तो पावर सप्लाई देने के बाद हम आपको दिखा सकते हैं। इसमें RGB लाइट दिया गया है जिससे खूबसूरती बहुत बढ़ जाता है इसका, और इसका जो है बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन हमको लगा। और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें दो माइक लगा सकते हैं, दोनों माइक को जो है कार को माइक आपको इसमें सपोर्ट है। यहाँ से डिस्क टाइप कंट्रोलर दिया गया है इधर माइक का, इसमें बेस ब्लास्ट प्लस इसमें सपोर्ट है जो कि बहुत अच्छा है। इक्वलाइजर का आपको ऑप्शन दिया गया है, स्टैंडर्ड मोड दिया गया है, इक्वलाइजर यूजर का मोड आपको दिया गया है, इक्वलाइजर बेस ब्लास्ट प्लस इसमें सपोर्ट है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है अधिक जो है बेस जो है सुनना पसंद करते हैं। बेस ब्लास्ट प्लस इसमें आपको इसमें सपोर्ट है। माइक का भी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, इको को भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, पोज प्ले कर सकते हैं। RGB लाइट जो इसमें आपको दिया गया है स्पीकर में, उसे भी आप यहाँ से लाइटिंग जो है चेंज कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको CD का ऑप्शन नहीं दिया गया है जो कि पुराना मॉडल में था, लेकिन इसमें कंपनी हटा दिया गया है क्योंकि न्यू मॉडल के साथ है। यहाँ पे दो ही आपको बटन दिया गया है, एक पावर बटन है और एक यहाँ पे फंक्शन का ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ बिल्ड क्वालिटी जो देखिए तो बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी ये LG दे रहा है। यहाँ पे आपका पावर कॉर्ड है, बस पावर कॉर्ड इन कीजिए, आपका जो है साउंड सिस्टम प्ले होने के लिए तैयार है। अलग से कोई भी आपको इसमें सैटेलाइट स्पीकर लगाने का कोई ज़रूरत आपको नहीं होने वाला है। यहाँ से ऑक्स इन कर सकते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो चलिए इसको हम प्ले करते हैं, उसके बाद इसका ऑडियो टेस्ट करते हैं जिससे हम आपको जानकारी दे सके करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साउंड टेस्ट करने के बाद ही हम आपको जानकारी दे सकते हैं। चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं, इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताते हैं, इसका प्राइस बताते हैं कि कितना आप इसे परचेस कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसका जो इसका साउंड टेस्ट देखिए, इसमें 9 कॉपीराइट एक सॉन्ग हम प्ले करते हैं। तो इसे हम TV से प्ले कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक स्मार्ट TV से इसको प्ले करके आपको सुना रहे हैं, और इसका ये बिल्कुल ओरिजिनल साउंड है। चलिए हम दूसरा साउंड इसमें प्ले करके आपको सुनाते हैं। इसको हमने अनबॉक्सिंग कर लिया, इसके ऑल फीचर्स के बारे में हम आपको जानकारी दे दिए, इसका साउंड टेस्ट भी हम आपको करा दिए। अब चलिए इसके प्राइस के बारे में बताते हैं, इसका प्राइस क्या है और इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताते हैं, इसमें हमको कमी क्या लगा। देखिए नंबर वन प्राइस जो है इसका MRP है, मार्केट प्राइस जो है 15,990 रुपये, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है तो इसका प्राइस कम होगा, लेकिन ये 2023 में लॉन्च ही किया गया है इसीलिए थोड़ा प्राइस हाई है। तो 15,990 रुपये इसका प्राइस है MRP, और ये डिस्काउंट करके आपको 13,500 रुपये में आप इसे परचेस कर सकते हैं। कितना
13,500 रुपये में। और फ्रेंड्स इसका परचेस लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उससे भी परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारा जो परचेस लिंक रहेगा उसमें हम कोई भी प्राइस बिल्कुल नहीं चेंज करते हैं, आपको वही जेन्युइन जो सच सही प्राइस है वही आपको मिलने वाला है। अगर हमारे परचेस लिंक से जो है परचेस करते हैं तो हमारे चैनल का थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, जिससे हम आपके लिए एक बेहतर कॉन्टेंट बना सकें और वो भी विथआउट जो है, इसीलिए हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये परचेस करना हो तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है परचेस लिंक डालेंगे, उसी से आप परचेस करें। आप देखिए परचेस करने से पहले इसमें हमको कमी क्या लगा है, अगर आपको डिजिटल ऑडियो इनपुट का इसमें ऑप्शन देता तो बहुत अच्छा ये साउंड सिस्टम हो जाता। ऑप्टिकल का इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ऑक्स केबल का है, HDMI का है, ब्लूटूथ सपोर्ट है, तो ये सभी आपको USB कार्ड इसमें सपोर्ट है, लेकिन एक डिजिटल ऑडियो इनपुट का ऑप्शन दे देता तो ये साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता और ये साउंड क्वालिटी जो है बहुत अच्छा हमको लगा। और आप अगर वैसे इसे प्ले कीजिएगा और आप सामने से एक्सपीरियंस कीजिएगा तो आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। एक आपको अच्छा बड़ा साइज हॉल है तो भी आपको ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। आपका बर्थडे है तो उस सब में ये आपको पार्टी स्पीकर मिलता है तो बहुत अच्छा आपको साउंड दे देगा। एक और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो ये ज़रूर चेक कर लें, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे LG का जो है सर्विस सेंटर कैसा है, अगर सर्विस सेंटर उपलब्ध है या नहीं है। आप जिस भी शहर में रहते हैं ये ज़रूर चेक कर लें, और सर्विस सेंटर अगर उपलब्ध है तो आपको कितना टाइम लेता है सर्विस देने में, क्योंकि अगर फ्रेंड्स इसका 1 ईयर वारंटी मिलता है, अगर आपको सर्विस सेंटर उपलब्ध नहीं होगा और सर्विस सेंटर उपलब्ध है लेकिन आपको सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको वारंटी का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे परचेस करने से पहले इसका सर्विस सेंटर के बारे में ज़रूर जानकारी ले लें, टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और जानकारी ले लीजिए कि आपके शहर में इसका सर्विस सेंटर उपलब्ध है या नहीं है। और कोई कौन सा नहीं लगा, अगर आपके लिए ऑप्टिकल मायने नहीं रखता है तो आप इस साउंड सिस्टम को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। और प्राइस रेंज जो है बहुत अच्छा खासा है, प्राइस रेंज ठीक है, क्योंकि ये साउंड सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ दिया गया है और LG का है तो थोड़ा साउंड क्वालिटी के में तो बेहतर है। प्लस LG एक अच्छा ब्रांड है, ऑल ओवर इंडिया में इसका सर्विस सेंटर उपलब्ध है, तो आप इसे बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, लेकिन आप चेक जरूर कर लें कि इसका सर्विस सेंटर उपलब्ध है या नहीं है। आप फ्रेंड्स इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करें 24 आवर्स के अंदर जो हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, और मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय। और इसके रिलेटेड कुछ पूछना कमेंट करें, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ।